हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि भाई, अगर आप फार्मेसी में एडमिशन लेना चाह रहे हो, एडमिशन करवाने की सोच रहे हो या एडमिशन करवा चुके हो, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, और ये चीज़ें जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, वो बच्चे जो कि अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं है, उन्होंने एडमिशन ही इसलिए लिया है कि सिर्फ डिग्री मिल जाए, तो ऐसे स्टूडेंट्स का तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, वो स्टूडेंट्स जो कि सच में अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, उनके पेरेंट्स ने बहुत उम्मीदों से एडमिशन करवाया है और वो भी सीरियस है अपनी पढ़ाई को लेके, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है। वो बच्चे, वो स्टूडेंट्स इस वीडियो को स्किप कर दें अभी के अभी, जो कि अपनी लाइफ में कुछ करना ही नहीं चाहते, सिर्फ डिग्री के बेसिस पे उन्होंने फार्मेसी को चुना है, वो बच्चे स्किप कर दें इस वीडियो को। देखिए, फर्जी कॉलेजेस फार्मेसी में इतना फर्जीवाड़ा हो रहा है, सबसे ज़्यादा हो रहा है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा फर्जीवाड़ा होता है फार्मेसी कोर्स को लेके। अगर बात करूँ मैं कुछ जिलों की, तो उसमें आ जाता है आपका मेरठ भी आ जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा फेक डिग्री वगैरह प्रोवाइड करवाने में बहुत ज़्यादा फेमस है। और भी बहुत सारी सिटीज़ हैं जो कि फेक डिग्री प्रोवाइड, कानपुर हो गया, मेरठ हो गया, बहुत फेमस है ये फेक डिग्रीज वगैरह प्रोवाइड करवाने में। तो भाई, आपने क्या करना है, आपने इन फेकर्स से बचना है, ऐसे दलालों से बचना है जो कि आपको एडमिशन करवाने के बहाने ऐसे कॉलेजेस में ले जाते हैं जहाँ पे उनका काफ़ी अच्छा खासा मार्जिन होता है। फॉर एग्जाम्पल, वो आपसे बोलेंगे 1,00,000 रुपये फीस है एक साल की, और वो उसमें से 50,000 खुद रखेंगे, 50,000 रुपये में आपका एडमिशन करवा देंगे। अब आपने कॉलेज में जाने से पहले, जब आप कॉलेज में जाओ, एडमिशन किसी के हाथ में ऐसे ही पैसा मत दे दो, एडमिशन करवाओ प्रॉपर तरीके से, कॉलेज जाओ, विजिट करो, खुद जाके जाकर वहाँ पे चीज़ें समझ में आती हैं, तब जाके आपने पैसा देना है, ठीक है? एडमिशन तो हो जाएगा। बहुत सारे कॉलेजेस हैं इंडिया में, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो लगभग 800-900 कॉलेजेस तो यहीं पे ही हैं, तो कॉलेजेस की कमी नहीं है, डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। कोई ऐसा भी नहीं है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम ज़रूरी ही है, आपके पास बस पैसा होना चाहिए, आपका डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाएगा। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट भी फार्मेसी कोर्स हो जाता है। बस ज़रूरत है अवेयर होने की, सतर्क होने की। बहुत कॉलेजेस हैं, ऐसा नहीं है कि सीट खत्म हो जाएगी, ये बोल के एडमिशन करवाते हैं ना, सीट खत्म हो जाएगी, बस 4 सीट बची हैं, अगर आपने बुक कर लिया तो ठीक है, वरना ये सीट आपके हाथ से निकल जाएंगी। भाई, आपने पहले चेक करना है कि वो कॉलेज सही है या नहीं है। उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि वो पर्टिकुलर कॉलेज का PCI अप्रूव्ड है या फिर नहीं है। कैसे? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे आपको जाना है, आपको जनरली गूगल पे डालना है PCI, जैसे आप डालोगे तो वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी, वेबसाइट पे क्लिक करना है, वहाँ पे एफिलेटेड कॉलेजेस लिखा हुआ आएगा, उस पर क्लिक करना है साइड में एरो पे, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो एफिलेशन फॉर डिप्लोमा, एफिलेशन फॉर डिग्री ऐसे आएगा, तो उस पर क्लिक कर देना है। आप डिग्री के लिए देखना चाहते हो तो डिग्री के लिए, डिप्लोमा के लिए देखना चाहते हो तो डिप्लोमा के लिए, उस पर क्लिक करेंगे, अपने कॉलेज का नाम सर्च करेंगे, अगर आपका कॉलेज का नाम आ जाता है मतलब वो अप्रूव्ड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको आगे भी चल के कोई दिक्कत नहीं होगी, आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। लेकिन अगर कोई ऐसा कॉलेज है जो कि PCI की ऑफिशियल वेबसाइट पे शो नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो कॉलेज फर्जी है, फर्जीवाड़े से आपको फार्मेसी कोर्स करवा रहा है, ना उसका एफिलेशन है। और अगर आप 4 साल बाद अपने रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आपको फार्मेसी काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश या फिर स्टेट फार्मेसी काउंसिल में आपको जाना होता है, और अगर आप वहाँ जाओगे तो आपका रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल हो जाएगा, होगा ही नहीं, क्योंकि वो कॉलेज लिस्ट ही नहीं है PCI की वेबसाइट पर। तो ये सारी चीज़ें भाई आपको देखनी है, क्योंकि इतने दलाल बैठे हुए हैं कि माइंड को ना ये मैन्युपुलेट कर देते हैं, ब्रेन वॉश कर देते हैं बिल्कुल इंसान का, जो ये बोलते हैं वही हमें सही लगता है, वही हमें सच लगता है, ठीक है? अपने लेवल पे कंप्लीट रिसर्च करें, ठीक है? ये तो हो गया पहले कॉलेज की जानकारी। दूसरी चीज़ ज़रूरत होती है कि वहाँ पे, चलो PCI अप्रूव्ड है, ठीक है, क्योंकि PCI भी आज के टाइम पे ठगी हो रखी है ना, जो PCI के मेंबर्स हैं जो जाते हैं इंस्पेक्शन के लिए, ठगी हो रखे हैं, जाते हैं 4,00,000 रुपये लिए, 2,00,000 रुपये लिए और अप्रूवल दे दिया किसी भी फर्जी कॉलेज को, है ना, जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, लेबोरेटरीज नहीं है, ऐसे ही एसेप्टिक रूम बनवा दिया, 2 रूम के पार्टीशन करके, हमने सब देखा हुआ है। ये जो आते हैं ना PCI के मेंबर, देखो मैं बिल्कुल क्लियर बोलती हूँ, जब भी बोलती हूँ, बहुत ही बेकार है PCI। अगर सख्त नियम कर देना फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, तो फार्मेसी में कोई भी बेकार बच्चा एंटर हो ही ना, एंटर होने के लिए भी नियम कानून आए और बाहर निकलने के लिए भी आए। ये इतना घटिया है PCI भी, भाई 2 सालों से इन्होंने बोला हुआ है कि एग्जिट एग्ज़ाम आ गया, 2 साल हो गए, एग्जिट एग्ज़ाम का कुछ नहीं पता चला, आना है या नहीं आना है, क्या होना है, किसी को कुछ नहीं पता। ये सिर्फ एक नोटिस निकाल देते हैं, क्योंकि पैसा बन रहा है, मोटा पैसा बन रहा है, कॉलेजेस मोटा पैसा देते हैं PCI को, भाई खा खा के PCI का गला भर गया यहाँ तक, है ना। अब वो क्यों करेगा ऐसे काम, इनसे अब तक एग्जिट एग्ज़ाम का कोई फाइनल नोटिफिकेशन नहीं निकाला गया। भैया करो कुछ, ऐसा नहीं होगा, ऐसे नहीं चलेगा जैसे आप सोच रहे हो,
फार्मेसी फील्ड सबसे रद्दी हो चुका है, एजुकेशन सिस्टम पहले ही रद्दी है भारत का, फार्मेसी फील्ड और भी रद्दी हो चुका। तो भाई आपने अपने लेवल पे रिसर्च करनी है, अगर आपने अपना करियर अपनी लाइफ स्पॉइल नहीं करनी तो उसके लिए आपने अपने हिसाब से काम करना पड़ेगा। कॉलेजेस का कुछ नहीं बिगड़ता, पीसीआई का कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन जब आप इंडस्ट्री में जाते हो ना जॉब के लिए, तो इंडस्ट्री को चाहिए होता है एक अच्छा बंदा जिसके पास नॉलेज हो, एक वैल्यूएबल बंदा। आपके जैसे बंदों को वो रखते भी नहीं है, ऐसे कॉलेजेस के बंदों को वो रखते भी नहीं है, है ना। तो ऐसा करना है आपने, ऐसे कॉलेज में जाके एडमिशन लेना है जिस कॉलेज की कहीं रैपो हो, जो कि आपको नॉलेज प्रोवाइड करवाए डेली बेसिस पे, वहाँ प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस हो, लेक्चर्स अच्छे हों, टीचर्स अच्छे हों, ईच एंड एवरीथिंग आपको देखनी है, सोचनी है, समझनी है, उसके बाद ही आपने एडमिशन लेना है। वहाँ पे जाओ, वहाँ पे जो पढ़ रहे पहले से स्टूडेंट्स हैं उनसे बात करो, कैसे कॉलेज में टीचर्स हैं, कैसे लैब परफॉर्मेंस होती है, ईच एंड एवरीथिंग। अगर वो सेटिस्फाइड हैं बच्चे, अगर वो सारी चीज़ें अच्छी बताते हैं कि लाइब्रेरी अच्छी है, बुक्स मिल जाती हैं, डिजिटल लाइब्रेरी भी है, लैब्स भी अच्छे हैं, टीचर्स भी अच्छे हैं, तो क्या दिक्कत है, फिर एडमिशन ले लो बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कुछ भी कहीं भी आपको डाउट हो रहा है, कुछ भी कहीं भी गलत है, तो आप वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि ये आपकी लाइफ का सवाल है। आप अभी एडमिशन लेने वाली फ़ेज़ में हैं, ले चुके भी होंगे, तो उसके बारे में चीज़ें रिसर्च करें, क्योंकि अभी इनिशियल फ़ेज़ है, अभी सारे डिसीजन जो हैं वो चेंज भी हो जाएंगे। कल आप ना तो डिसीजन चेंज कर पाएंगे और ना ही उसको हजम कर पाएंगे। वो बोलते हैं ना कि ऐसा निवाला, ये ऐसा निवाला हो गया, ना इसको अटक पा रहे हैं, ना इसको बाहर निकाल पा रहे हैं, है ना। तो आपने बेटा अपने लाइफ के बारे में खुद सोचना है, माँ बाप सिर्फ पैसा लगा सकते हैं, ठीक है बच्चे। चलिए, सो आई होप आपको ईच एंड एवरीथिंग बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो लेक्चर, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल जो कि हमारा ऐप है प्ले स्टोर पर, वो जाके डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर हम आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं, लेक्चर्स प्रोवाइड करवाते हैं, ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पर आपको बहुत ही सुपर मिलेगा। जाइए विजिट कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो बहुत ही रीजनेबल प्राइस में हमारे सेमेस्टर के कोर्सेज हैं, उनमें ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।